कि आप आज उस बच्चे को लौटा के ले आए। उस बंदे को ये नहीं पता था कि मेरे को मतलब जहाँ होता क्या है, कहाँ से मिलेगा, कौन से गुरुजी हैं। एक बंदे ने उसको वो ढूंढ रहा है अपने बच्चे को उज्जैन की सड़कों। एक लड़का उसे मिलता है, यंग लड़का मिलता है, वो उसे कहता है तूने मेरा बच्चा कहीं देखा है, इतने दिन से खो गया। तो वो बंदा कहता है कि तेरा बच्चा एक ही इंसान ढूंढ सकता है, गुरु जी है दिल्ली में। वो कहता है कि दिल्ली में गुरु जी, मैं दिल्ली कहाँ जाऊँगा। तो वो लड़का उसे कहता है भाई, वो बंदा कहता है तू बता वो गुरु जी कहाँ रहते हैं, मैं चल पास करता हूँ उनसे। उसको लगा कोई है लाइव है, तो वो लड़के को भी अधूरी जानकारी। वो लड़का कहता है भैया मैं भी नहीं जानता कौन से गुरु जी, मैं तो सिर्फ उनका नाम सुना है। तो कह रहे कैसे मिलेंगे, वो कहता है तू यूट्यूब खोल, तुझे कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। अब उसने उसको यूट्यूब खोलना सिखाया, खोलना भी नहीं आता था। वो कहता है मैंने यूट्यूब खोला, उसमें आया बुलबुल आंटी सत्संग और उसमें आपका फोन नंबर था। कहता है मैंने उसी को मिला दिया। और उसका जब मुझे फ़ोन आया ना, लिटरली वो मुझे, जैसे कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो वो बोल देते हैं बुलबुल आंटी बोल रहे हो, मैं कहती हूँ हाँ आंटी मेरे को आपसे बात करनी है। हाँ बेटा क्या हुआ। आंटी मेरे हस्बैंड को कैंसर है। फिर कहता मेरे पापा को कैंसर है। फिर कहता मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनसे बात करती हूँ। लिटरली मैं कई बार, मेरे को ना मेरा बेटा हंसता है कि मम्मी एक तो गुरु जी ने आपको डॉक्टर बना दिया, एक हमको आपको वकील बना दिया, हमारे वकील हो गुरु जी से मेरी वकालत करो। वो बंदा मुझे फोन करके कहता है अरे आंटी मेरा ना बच्चा हो गया, इसने ना फिर रॉन्ग नंबर मिला दिया। कहाँ से बोल रहे हो, मेरा उज्जैन से। तो मैंने कहा पुलिस में फोन करो। कह रहे नहीं मुझे ना किसी ने कहा है कि गुरु जी है वही मेरा बच्चा ढूंढ सकते हैं, तो आपको मैंने फोन किया है। वो मैं समझ गई, मैंने देखा गुरु जी को, मैं क्या बात, और पुलिस वाला बनाने की देर थी, फोन बना दिया अपने मेरे को। फिर मैंने उसको जो कहानियाँ गुरु जी की कहानी शुरू कर दिए थे। मुझे तो लगता है ना, मुझे तो मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बस कहते हैं गुरु जी तो फंस जाते हैं। जैसे मुझे ये लोग कहते हैं गुरु जी तो फंस जाते हैं, कोई बोले सही गुरु जी कौन है, कोई पकड़ लेती हूँ मैं तो उस बंदे को। हाँ मैं तुझे बताती हूँ, उसके पास टाइम हो ना हो, मेरे पास बहुत टाइम होता है। 3 घंटे मैं उस दिन ट्रेन में बंदे के पीछे पड़ गई। अंकल से पूछो, अंकल को पीछे भेज दिया और वो बाल से आ रहे थे सत्संग। हाँ वो वाला सत्संग। फिर उस अंकल को ना मैंने ये बोला कि अंकल ऐसे ऐसे ना आपने जैसे यूट्यूब पे मेरा नंबर दिया है ना, ऐसे ही ना उस पर लिखो 108 टाइम मंत्र जाप गुरु जी मंत्र जाप। तो कहता है मुझे नहीं आता लिखना। मैंने कहा आप ओम नमो शिवाय की सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय को बोलते रहो। तो कह रहा मेरे पास गुरु जी का सबूत भी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हमें जय गुरु जी बोलो और एक गिलास की जल रखो अपने मंदिर में और मंत्र जाप करते रहो, बंद मत करना। उसके बाद हम लोग चले गए सत्संग। मेरा फोन एयरप्लेन मोड पे चला गया, मैं भूल गई। जैसे ही मैंने अपने फोन को ऑन किया मुझे याद आया नहीं मैंने उस बंदे को तो मंत्र जाप का कोई लिंक ही नहीं भेजा ना उसको कोई व्हाट्सएप आया। मैंने फटाफट उसको फोन किया तो वो कहता है कि आपने तो मुझे भेजा ही नहीं। मैंने कहा आपका तो व्हाट्सएप नंबर ही नहीं है। फिर उसने किसी को बोल के दो दिन बाद व्हाट्सएप से मुझे भेजा लिंक। मैंने उसे मंत्र जाप भेजा। तो हम लोगों ने यहाँ पे जहाँ पे सत्संग हो रहा था वहाँ 5-5 मिनट का समय मंत्र जाप करवा लिया। और फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ उनका, जैसा कि मैं गाड़ी में जा रही थी तो मैंने एक मैसेज बना दिया और जितने मेरे पास ग्रुप थे 1500 लोगों को मैंने वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि 5-5 मिनट का मंत्र जाप जहाँ बैठे हो वहीं पर कर लो, ऑफिस है, घर है, कहीं फैक्ट्री है या सत्संग है, मुझे नहीं पता, इसकी उदास लगी है। सबने किया और हम इसलिए मंत्र जाप कर रहे हैं। कल रात को मैं किसी वजह से थोड़ी सी परेशान थी, कोई आर्गुमेंट हो गया था किसी संगत से, तो मुझे सब लोग कह रहे थे कि आप ठीक हो आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन मैं जब घर आई तो मेरे बहुत दिक्कत आई होता था। तो मैंने ना गुरु जी को आके इतना ही बोला, मैंने कहा गुरु जी आज मैं बड़ी अपसेट हूँ, पहली बार बड़ी नेगेटिविटी लेके आई हूँ, कभी मैं सत्संग से आती थी बहुत पॉजिटिव होके आती हूँ पर आज मैं बहुत नेगेटिव होके आई हूँ और मेरा बीपी बहुत हाई था, पूरी रात सो ही नहीं। जैसे ही मैं सुबह उठ के अमृत वेला करती हूँ, मंदिर जाप करती हूँ, मैं उठी और मैंने गुरु जी को बस इतना ही कहा, बैठे हैं सामने सुन रहे हैं, मैंने कहा गुरु जी अगर कल मैंने आपके लंगर प्रसाद को लेके कुछ भी गलत बोला, अगर मैंने कल कुछ भी मैंने संगत को डांटा कि भाई लंगर प्रसाद के पैसे इतने नहीं लेने थी, जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ था, अगर मैं सही थी ना आपकी नज़रों में कि मैं आपकी डिवोटी हूँ, मैं आपके लिए लड़ी हूँ, तो मेरे पास आज उस बच्चे के फोन आ जाएगा कि वो बच्चा मिल गया है, तो मैं समझ लूँगी कि मैं आपकी असली मीरा हूँ। और अगर आज की डेट में वो बच्चा नहीं मिला तो मैं उसी ग्रुप में माफ़ी मांगूंगी कि मैं गलत हूँ। आप तो बिलीव नहीं करोगे विद इन 5 मिनट
शादी करके होना। और मैं कितना रोई हूँ आज, जब मैं रात को बिल्कुल नहीं रोई थी क्योंकि मेरी गलती नहीं थी बिल्कुल, पर मैं आज सुबह से इतना रोई, इतना फूल लगा रही हूँ तो रो रही हूँ, यहाँ बैठे मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, ये कह के कि गुरु जी मैं आपकी मीरा हूँ, आपकी मुझे इन्होंने मुझे 5 मिनट में मुझे क्या दिखाया कि तू सही थी, जिस रास्ते पे तू चल रही है उस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, उलझने आएंगी, लोग तेरे खिलाफ हो जाएंगे, पर तूने वो रास्ता नहीं छोड़ना, तुम्हें पीछे मुड़के भी देखना। शुक्राना करती हूँ मालिक का, इतना इन्होंने ब्लेस किया हुआ है। और जब उस बच्चे का मिलने की खबर मुझे मिली ना, मैंने यहाँ 100 बार मत्था टेका होगा, मेरा गुरु जी आप हो, आपने आज मुझे दिखा दिया मैं तेरे साथ हूँ, दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए पर मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। जय गुरु जी।